जूलॉजी पेपर एनालिसिस का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड। ये सही है, जो कि सी टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे सी नहीं एन टर्मिनल होगा। एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट एमिनो एसिड। ये लाइन सही है, लेकिन लास्ट एमिनो एसिड जो होगा उसको एन टर्मिनल नहीं, यहाँ पे सी टर्मिनल बोलेंगे। तो स्टेटमेंट वन अपना गलत है। स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ फोर सब यूनिट्स, टू सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड टू सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। ये स्टेटमेंट अपना सही है, तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर जाएगा। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। क्लास 11th चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसके अंदर पेज है 150 पेजेस मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री किस में फाउंड नहीं होता है? तो ये होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, और इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल और बायलेटरल दोनों देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज। ठीक है, क्लास 11th चैप्टर 4 प्लांट किंगडम, पेज नंबर 49 पेजेस आपको मिल जाएगा। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। ये अपना स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। यहाँ पे मेनोपॉज नहीं, मेनार्क होगा, मेनार्क। थर्ड है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। लास्ट है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स वाला, ये आपको 12th क्लास के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पेज नंबर 49 से 51 के बीच में मिल जाएगा। तो सेकेंड बी वाला गलत है, बाकी ए सी और डी सही है। तो पूछ कह रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए सी और डी सही है, इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड ऑप्शन अपना सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसर्शन दिया हुआ है, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। फर्स्ट एसर्शन अपना सही है। रीजन दिया हुआ है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ये अपना उल्टा दिया हुआ है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा। तो रीजन जो है वो गलत है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा? सेकेंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एसर्शन अपना सही है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। क्लास 11th चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पेज नंबर 293 टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई। लिस्ट 1 ये दिया हुआ है, लिस्ट 2 ये रहा। फर्स्ट है फोबिया। फोबिया क्या होगा? पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रिजोल्यूशन, ए का 3। एक ही ऑप्शन जा रहा है, फोर्थ नंबर। इसमें आपको एक भी आता था ना तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ए का 3, ए का 1, ए का 4, ए का 2, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया ही हुआ है, सेट ही किया गया है कि अगर एक भी आपको आ रहा है तो आंसर सही जाएगा। सेकेंड है आयरिस। आयरिस क्या होगा? विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल। ठीक है। थर्ड है ब्लाइंड स्पॉट, पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। फोर्थ है एस्क्लेरा, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। क्लास 11th चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 323 और 324 के बीच में आपको मिल जाएगा सारा पॉइंट। टॉपिक का नाम है आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ है पेरोक्सिसोम्स। इसमें सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, एम सी पी जो होगा वो नॉन इंडोमेम्ब्रेनस होगा, ठीक है। एम से माइटोकॉन्ड्रिया, सी से क्लोरोप्लास्ट और पी से पेरोक्सिसोम्स। तो ए सी और ई आंसर जाएगा, ए सी ई फर्स्ट ऑप्शन। क्लास 11th चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पेज नंबर 133 पेजेस मिल जाएगा आपको। टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और ये सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीजेस इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। इसका आंसर होगा डॉन्स सिंड्रोम। क्लास 12th चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पेज नंबर 92 टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट है पी वेव, पी वेव क्या करेगा, एट्रिया का डीपोलराइजेशन करेगा, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ए का 3, एक ही ऑप्शन जा रहा है फोर्थ नंबर। सेकेंड है क्यू वेव, तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और टी वेव क्या करेगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो पूछ कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, फोर्थ नंबर सही जाएगा। क्लास 11th चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पेज नंबर 286 टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ये सेम क्वेश्चन 2019 और 2020 दोनों में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इसका आंसर होगा गोनोरिया। क्लास 12th चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेज नंबर 63 पेजेस आपको मिल जाएगा और सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 यहाँ पे सीक्रेशन दिया हुआ है उसका, कि ये सेल जो है वो क्या सीक्रेट करेगा। फर्स्ट है पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल क्या सीक्रेट करेगा, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। इसको पी क्यूब ट्रिक से याद रख सकते हैं, फर्स्ट पी से पेप्टिक सेल, सेकेंड पी से प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ए का 3, एक ही ऑप्शन जा रहा है सेकेंड नंबर। सेकेंड है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस, गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करेगा। थर्ड है ऑक्सेंटिक सेल, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। लास्ट है हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आंसर सही जा रहा है। 61st क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। एसर्शन दिया हुआ है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। रीजन भी सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। ऐसा क्यों, क्योंकि रीजन जो है वो ना ही रिलेट कर रहा है इंडोमेट्रियम से ना ही ब्लास्टोसिस्ट से। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर सही जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्लास 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पेज नंबर 51 और 53 पे आपको देखने को ये चीज मिल जाएगा। टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। तो प्रोब जो होता है वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। YSE और BSE ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये आपको देखने को मिल जाएगा 12th क्लास चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 119। टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये PVR 322 आपको देखने को मिल जाएगा 12th क्लास चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पेज नंबर 199। टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसके अंदर सब टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आंसर जाएगा प्रोब, प्रोब जो होता है अपना वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट दिया हुआ है टीनिया, सबसे पहले टीनिया होता क्या है, टीनिया एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस का, दो ही एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में, टीनिया एंड फेसियोला।
और फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस में आपको फ्लेम सेल्स देखने को मिलता है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ए का थ्री एक ही ऑप्शन जा रहा है सेकेंड नंबर। ये आपको क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पेज नंबर 52 पे देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है पैरामीसी, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका आंसर जाएगा ठीक है। बी का 2 ये आपको क्लास 11th चैप्टर 8 सेल पेज नंबर 134 टॉपिक का नाम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें देखने को मिल जाएगा। थर्ड है पेरीप्लैनिटा, पेरीप्लैनिटा होता क्या, एक जीनस है कॉकरोच का ठीक है। ये आपको क्लास 11th चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पेज नंबर 134 टॉपिक है कॉकरोच, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें यूरिकोज ग्लैंड होता है जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। तो सी का क्या जाएगा आंसर, सी का फोर। लास्ट है फेरेटीमा ठीक है। तो फेरेटीमा जो है एग्जाम्पल है फाइलम एनेलिडा का, और फाइलम एनेलिडा में आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो डी का फर्स्ट। ये आपको क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पेज नंबर 51 पे देखने को मिल जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, ये स्टेटमेंट गलत है, डेंस इरेगुलर नहीं डेंस रेगुलर टिश्यू होगा। टेंडम एंड लिगामेंट जो होता है आर एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कैसे, क्योंकि कार्टिलेज ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, फर्स्ट आंसर सही जाएगा। क्लास 11th चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके अंदर टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, पेज नंबर 103 एंड 104 पे आपको ये चीज मिल जाएगा देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो साइटोस्केलेटन का तीन ही फंक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा दिया हुआ है मोटिलिटी एंड तीसरा दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। तो एम क्यूब ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोटिलिटी। क्लास 11th चैप्टर 8 सेल उसके अंदर पेज 136 पेजेस आपको देखने को मिल जाएगा, टॉपिक है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फर्स्ट लिस्ट यहाँ दिया हुआ है और सेकेंड लिस्ट ये रहा। ये आपको 12th क्लास चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 117 पे देखने को मिल जाएगा, टॉपिक है लैक ओपेरॉन ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट में जेड जीन दिया हुआ है, फिर वाई, फिर ए। जेड जीन किसके लिए कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के, जेड का फर्स्ट ठीक है, जीन जेड कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के। तो डी का 1 एक ही आंसर जा रहा है, फर्स्ट नंबर ठीक है। वाई जीन किसके लिए कोड करेगा, परमीएज के लिए, बी का 3 ठीक है। ए जीन किसके लिए कोड करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए ठीक, और आई जो होगा रिप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही है। क्लास 12th चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशूज उसके अंदर टॉपिक है वाटर पॉलिनेशन एंड इट्स कंट्रोल, पेज नंबर 276 पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन अ ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। क्लास 12th चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक है म्यूटेशन, उसके अंदर पेज है 88 उसमें देखने को मिल जाएगा, इसको कंसंगुइनियस मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एंटर द सीकम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, इसका आंसर होगा इलियोसीकल वाल्व। क्लास 11th चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पेज नंबर 264 टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर सही जा रहा है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस का कोई पर्पस नहीं होता है अर्ली डायग्नोसिस से। क्लास 12th चैप्टर 12 पेज नंबर 212 चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन,
उसके अंदर सब टॉपिक है मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर अपना सही जा रहा है। 71st क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। क्लास 11th चैप्टर 9 पेज नंबर 157 और 158 के बीच में आपको दोनों स्टेटमेंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया गया। चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ ज्वाइंट और लिस्ट 2 दिया हुआ है फाउंड बिटवीन, मतलब ये ज्वाइंट जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से इलिमिनेट करने का, जैसे डी ऑप्शन है ये यूनिक है, डी का 1, 2, 3 और 4 मतलब सभी में डिफरेंट है। तो डी अगर हमको पता चल जाए कि डी का आंसर क्या होगा तो और सब देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सैडल ज्वाइंट है, सैडल ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। तो डी का 3 एक ही ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट नंबर, ठीक है। 11th क्लास चैप्टर 20 पेज नंबर 312 चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके अंदर टॉपिक है ज्वाइंट्स और ये सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लास 12th चैप्टर 3 पेज नंबर 43 और 46 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और सेकेंड स्टेटमेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कॉर्पसल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। इसका आंसर होगा TH सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। क्लास 12th चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पेज नंबर 156 टॉपिक है एड्स, उसमें लाइन ही दिया हुआ है, HIV इंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। तो फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट है हीरोइन, हीरोइन क्या करेगा, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ए का टू एक ही ऑप्शन जा रहा है फोर्थ नंबर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें यूनिकनेस देखना है कि कौन सा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे ए का 1, 2, 3, 4 सही में डिफरेंट है, ऐसे ही बी का भी डिफरेंट है, सी का भी डिफरेंट है और डी का भी डिफरेंट है। तो एक भी अगर आंसर आपको सही सही आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ए का 2 फर्स्ट ही ऑप्शन जा रहा है, ये फोर्थ नंबर, ठीक है। क्लास 12th चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, पेज नंबर 158 एंड 159 पेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, तो ये क्या होगा, IRV प्लस ERV प्लस TV, थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। क्लास 11th चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पेज नंबर 272 पेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। इस टॉपिक से हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन अपना सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। इसमें से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कौन कौन सा है जो कि एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है नमबैट, स्पॉटेड कसकस एंड फ्लाइंग फैलेंजर, ये तीनों जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन में मोल जो है ये प्लेसेंटल मैमल्स है, ठीक है, मोल प्लेसेंटल मैमल है और बाकी ये दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। थर्ड में लेमर, एंटीएटर एंड वुल्फ, तीनों जो है आपको प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आता है, ठीक। और फोर्थ है टैस्मेनियन वुल्फ, बॉब कैट एंड मार्सुपियल मोल। इसमें फर्स्ट टैस्मेनियन वुल्फ जो है और मार्सुपियल मोल, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, बाकी ये बॉब कैट जो है वो आपको प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो क्लास 12th चैप्टर 7 इवोल्यूशन पेज नंबर 134 पे
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स का एक फिगर दिया हुआ है टेबल के फॉर्मेट में, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज। फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन में यूनिकनेस देखना है। तो सी ऑप्शन देखिए, सी में सभी में डिफरेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। तो सी का आंसर अगर हमको पता चल जाए तो और सब ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ANF, तो हार्ट के एट्रियल वॉल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। तो सी का 2 एक ही ऑप्शन है, फोर्थ नंबर। ठीक है, क्लास 11th चैप्टर 22 पेज नंबर 339, चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके अंदर टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। एसर्शन दिया हुआ है, एम्नियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये स्ट्रेटेजीज नहीं होता है, एम्नियोसिंथेसिस जो होता है वो एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है जो कि यूज होता है डायग्नोसिस करने में जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कोई भी सर्टेन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स इन डेवलपिंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट एसर्शन अपना गलत है। सेकेंड रीजन दिया हुआ है, बैन ऑन एम्नियोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीज मेनाइक ऑफ फीमेल फीटीसाइड्स। रीजन सही है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर जाएगा, थर्ड नंबर, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, क्लास 12 चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके अंदर टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, पेज नंबर 58 पेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट्स एंड इवॉल्व फास्टर। रीजन भी सही दिया हुआ है, क्लास 11th चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 103, टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA वर्सेस RNA। तो ऑप्शन फोर्थ सही जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। 81st क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन से इलिमिनेट करना है। तो बी ऑप्शन देखिए, बी में 4, 2, 3 और 1 सभी में यूनिक है। तो बी का अगर आंसर पता चल जाए तो और सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, एक नेचुरल मेथड। बी का फोर ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा सही, ठीक है। क्लास 12 चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेज नंबर 60-62 के बीच में आपको ये चीज मिल जाएगा, सारा टॉपिक अलग अलग। टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होगा, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करेगा, पार्टिकुलेट मैटर 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड नंबर, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। क्लास 12 चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज पेज नंबर 271 टॉपिक है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यहाँ पे पॉजिटिवली नहीं, निगेटिवली होगा, और यहाँ पे निगेटिवली की जगह पॉजिटिवली होगा, उल्टा दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट वन अपना गलत हो गया। स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, इन यूकैरियोट्स द निगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है। तो क्या आंसर जाएगा, थर्ड नंबर, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 99 टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है रिंग वर्म। तो NCERT जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा लाइक माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म। रिंग वर्म क्या जाएगा, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। ए का 2,
ए का टू दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और फोर्थ में। फिर बी देखते हैं, फिलेरियसिस उस्टेरिया बैंक्रॉफ्ट, बी का थ्री, बी का थ्री, ठीक, दो ऑप्शन में है। सी है मलेरिया, मलेरिया किससे होगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सी का फोर, सी का फोर, ये रहा अपना आंसर क्या जाएगा, फोर्थ नंबर। फिर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक। क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर टॉपिक है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, पेज नंबर 147 से 149 के बीच में सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको, और इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फर्स्ट है इंटरैक्टिंग स्पीसीज और सेकंड लिस्ट में दिया हुआ नेम ऑफ इंटरेक्शन, इस इंटरैक्टिंग स्पीसीज का इंटरेक्शन कैसा होगा। तो फर्स्ट है अ लियोपार्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, इसका इंटरेक्शन कैसा होगा, कॉम्पिटिशन, ए का वन, दो ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट और फोर्थ, तो दो ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया। सेकंड है अ कुकू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, बी का टू, दोनों में है तो ऑब्वियसली बी का टू होगा ही, ठीक है। सी है फंजाई एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, इसका क्या होगा, म्यूचुअलिज्म, सी का थ्री, सी का थ्री, ये रहा फोर्थ नंबर, देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फोर का, ये फोर्थ ही होगा, ठीक। क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पेज नंबर 234 से 237 के बीच में सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको, तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट है बेसोफिल्स आर द मोस्ट एवंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे बेसोफिल नहीं न्यूट्रोफिल्स होगा, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एवंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड है बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी सेकेंड नंबर सही रहा है। फोर्थ है बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता है। ई है बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं ग्रेन्युलोसाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इसका ऑप्शन इलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन बी जो है बी सभी में यूनिक है, 1, 2, 3 एंड 4, तो बी का आंसर पता चल जाए तो और सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ये कहाँ देखने को मिला, सिलिएटेड इपिथीलियम, बी का 1, एक ही ऑप्शन है सेकंड नंबर, और सब देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लास 11th चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पेज नंबर 101 और 103 के बीच में सारा टॉपिक देखने को मिल जाएगा, टॉपिक है इपिथीलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन नहीं यहाँ पे जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन में टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, सेकेंड सही होगा बी क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ठीक है। सी है टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन, यहाँ पे पेकाइटिन नहीं डाइकाइनेसिस होगा, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, तो बी और डी सही जाएगा। लास्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, सिस्टर नहीं यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, तो ई ऑप्शन भी गलत है, बी और डी सही है, ठीक है। क्लास 11th चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर टॉपिक है मियोसिस 1, मतलब मोस्टली ऑप्शन उसी से पूछा हुआ है, पेज नंबर 165 से 168 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, इसका आंसर जाएगा सेकंड, मतलब यूरिकोज ग्लैंड नेफ्रोसिस्ट एंड फैट बॉडी। क्लास 11th चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, टॉपिक है कॉकरोच, उसके एनाटॉमिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेज नंबर 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यहाँ पे इनएक्टिव नहीं एक्टिव होगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 अपना गलत है। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन एस फेज में ही होता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, इसके रिगार्डिंग थर्ड ऑप्शन सही जा रहा है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लास 11th चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, पेज नंबर 163 एंड 164 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज, टॉपिक है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। 91st क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, यहाँ पे मिड डॉर्सल नहीं डॉर्सल होगा,
और डबल के जगह पे हॉलो होगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है कॉर्डेट्स में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी देखने को मिलता है कॉर्डेट्स में, सी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, तो डॉर्सल हर्ट नहीं, यहाँ पे वेंट्रल हर्ट होता है, कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल हर्ट होता है। लास्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स, यहाँ पे स्यूडो सिलोमेट नहीं, सिलोमेट एनिमल्स होगा कॉर्डेट्स। इसके रिगार्डिंग बी और सी ऑप्शन सही जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, उसके अंदर पेज नंबर 55 पे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, उसके अंदर टॉपिक है कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहाँ पे लिस्ट 1 दिया हुआ है और ये रहा लिस्ट 2। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से इलिमिनेट करना, जैसे देखो ए का 2 हर में ही है, ए का 2, तो ए का देखना ही नहीं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या होगा, ए का 2 होगा ही। सेकेंड है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन, तो बी का 1, एक ही ऑप्शन जा रहा है फोर्थ नंबर। क्लास 12th चैप्टर 13 पेज नंबर 227 से लेके 231 के बीच में सारा चीज दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके अंदर टॉपिक है पॉपुलेशन, उसमें चीज देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इज एज फॉलोज। इसमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे बस यूरेसिल के जगह पे थाइमिन आ जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहाँ पे थाइमिन है, ये रहा यूरेसिल, ये रहा थाइमिन, यहाँ यूरेसिल, थाइमिन, बस यही चीज देखना होता है। क्लास 11th चैप्टर 6 सॉरी क्लास 12th चैप्टर 6 पेज नंबर 108 चैप्टर का नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो कॉकरोच में हमेशा याद रखना कि मेल जो होगा, मेल कॉकरोच, वो हमेशा स्टाइल मारेगा, तो एनल स्टाइल किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ मेल कॉकरोच में, फीमेल कॉकरोच में देखने को नहीं मिलेगा। क्लास 11th चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पेज नंबर 112 टॉपिक का नाम है कॉकरोच, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच से, एक या दो फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। फर्स्ट है मसल बंडल्स आर हेल्ड टूगेदर बाई कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिकल, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मसल बंडल्स और फैसिकल्स आर हेल्ड टूगेदर बाई कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया नॉट फैसिकल। सेकेंड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट है एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर, यहाँ पे एम नहीं जेड लाइन होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो बी और सी स्टेटमेंट सही है, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। क्लास 11th चैप्टर 20 पेज नंबर 304 और 305 के बीच में दिया हुआ है ये चीज। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके अंदर टॉपिक है मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या सब होता है, हेयर होता है मैमेल के पास, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ऑप्शन फर्स्ट ही सही जा रहा है। क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पेज नंबर 59 से 60 के बीच में ये चीज देखने को आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, उसके अंदर टॉपिक है क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया के लास्ट में ये चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जाएगा, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। क्लास 12th चैप्टर 9 पेज नंबर 167 नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर
एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट प्लेजर रेज फियर इटीसी आर। इसका आंसर क्या जाएगा, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। क्लास 11th चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 321 टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर फोर ब्रेन में ये चीज दिया हुआ है। और ये सेम क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो बी सी और डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ADS facilitates water reabsorption to prevent diuresis, anti-diuretic hormones. ये statement सही है। ANF causes vasodilation. ANF ही vasodilation cause करता है। और third option है ADS causes increase in blood pressure. ये भी सही है। B, C और D option इसमें सही जा रहा है। First option इसका सही जाएगा। Class 11th, Chapter 19, Page number 297. Chapter का नाम है excretion. उसके अंदर टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ए ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सही है। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये नहीं होगा। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी नहीं है। और लास्ट है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, थायराइड हार्मोन ही आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है, तो ये ऑप्शन भी सही। तो पूछ कह रहा है नॉट अंडर द कंट्रोल, तो सी और डी जो होगा वो नहीं होगा, सी और डी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्लास 11th चैप्टर 22 लास्ट चैप्टर है, पेज नंबर 335। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसके अंदर टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, उसमें इसे दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ कैसा लगा हमारा, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।